मुंबई मेट्रो देश का 6th लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। 46.4 किलोमीटर की ये तीन लाइन अभी ऑपरेशनल हैं, 43 स्टेशन के साथ। इसके अलावा ये 146 किलोमीटर के रूट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनकी डेडलाइन 2025 रखी गई है। ये मैप है मुंबई ट्रांजिट सिस्टम का। इसमें मेट्रोज के अलावा लोकल ट्रेन, मोनोरेल और अंडर कंस्ट्रक्शन बुलेट ट्रेन भी दिखाई गई है। जो अभी ऑपरेशनल नेटवर्क है उसको सॉलिड लाइन से डिनोट किया गया है, अंडर कंस्ट्रक्शन रूट को डबल लाइन से, प्लान्ड या अप्रूव्ड रूट को डॉटेड लाइन से, लोकल ट्रेन या सबर्बन रेलवे जिसे कहते हैं उसको सॉलिड लाइन के बीच में डॉटेड लाइन से डिनोट किया गया है, और बुलेट ट्रेन को पर्पल सॉलिड के अंदर ब्लू और व्हाइट डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। टॉप राइट में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। मुंबई मेट्रो के अलावा 427 किलोमीटर की लोकल ट्रेन और 19 किलोमीटर की मोनोरेल भी अभी ऑपरेशनल है सिटी में। मेट्रो से स्टार्ट करते हैं। लाइन 1 ब्लू, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है 11.4 किलोमीटर लंबी और 12 स्टेशन के साथ। वर्सोवा से शुरू होती है, आगे डीएन नगर में लाइन 2 के अंधेरी वेस्ट स्टेशन से लिंक होती है। सेम स्टेशन है मगर दोनों लाइंस में इसका अलग अलग नाम है। अंधेरी में लोकल ट्रेन की वेस्टर्न और हार्बर लाइन के साथ भी इंटरचेंज है फुट ओवर ब्रिज की मदद से। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे लाइन 7 के गुंडावली स्टेशन से भी कनेक्ट होती है। सेम स्टेशन और अलग नाम है फिर से। आगे मरोल नाका में अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन 3 से लिंक होगी और फाइनली घाटकोपर में खत्म होती है लोकल ट्रेन की सेंट्रल लाइन से। जून 2014 में खुली थी पूरी लाइन। लाइन 2 येलो, ये नॉर्थ साउथ लाइन है जिसको अभी दो फेजेस में बनाया जा रहा है। पहला फेज बन के तैयार है, 18.6 किलोमीटर लंबा है दहिसार से अंधेरी वेस्ट तक, जो खुल गया जनवरी 2023 में। वेस्टर्न लाइन के पैरेलल चलती है ये। इसमें 17 स्टेशन हैं और इसको लाइन 1 से भी लिंक किया गया है अंधेरी वेस्ट स्टेशन पर, और अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन 6 से कनेक्ट किया जाएगा लोअर ओशिवारा में। दहिसार ईस्ट में लाइन 7 से कनेक्ट होती है और लाइन 9 से भी कनेक्ट होगी वहीं पर, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरी लाइन जो अभी ऑपरेशनल हुई है वो है लाइन 7 रेड। ये 16.5 किलोमीटर लंबी नॉर्थ साउथ लाइन है दहिसार ईस्ट से गुंदवली तक। 14 स्टेशन हैं इसमें। ये लाइन ज्यादातर रूट के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ चलेगी। लाइन 1 और 2 से लिंक की गई है और 6 से की जाएगी जोगेश्वरी ईस्ट में। ये है पूरा ऑपरेशनल नेटवर्क मुंबई मेट्रो का 46.4 किलोमीटर और 43 स्टेशन के साथ। इसके अलावा 7 रूट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जैसे लाइन 2 का फेज 2, ये 23.6 किलोमीटर लंबा होगा 22 स्टेशन के साथ अंधेरी वेस्ट से मंडला तक। बांद्रा स्टेशन तक ये वेस्टर्न लाइन के पैरेलल चलेगी, जिसके बाद ये ईस्टर्न टर्न लेगी। आईटीओ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये लाइन 3 के साथ कनेक्ट की जाएगी, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा आगे ये बुलेट ट्रेन के मुंबई स्टेशन से भी कनेक्ट की जाएगी। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में लाइन 4 के सिद्धार्थ कॉलोनी स्टेशन के साथ कनेक्ट होगी, फिर आगे मोनोरेल से कनेक्ट होगी और मानखुर्द में हार्बर लाइन के साथ, और मंडला में प्रपोज्ड लाइन 8 के साथ कनेक्ट की जाएगी। लाइन 3 एक्वा, ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड है जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जनवरी तक खुलने की उम्मीद है। 33.5 किलोमीटर लंबी है 27 स्टेशन के साथ, सारे अंडरग्राउंड। कफ परेड से शुरू होकर आरए कॉलोनी तक जाएगी। चर्च गेट, सीएसएमटी, ग्रैंड रोड, मुंबई सेंट्रल और महालक्ष्मी में ये लोकल ट्रेन से कनेक्ट होगी। आगे आईटीओ में लाइन 2 से कनेक्ट होगी, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में लाइन 7 के साथ, टर्मिनल 2 में लाइन 8 के साथ, और मरोल नाका में लाइन 1 के साथ, और सीप्स में लाइन 6 के साथ कनेक्ट की जाएगी। लाइन 4 ग्रीन, ये लाइन पूरी एलिवेटेड होगी, 35 किलोमीटर की टोटल लेंथ और 34 स्टेशन के साथ। भक्ति पार्क से शुरू होकर गायमुख तक जाएगी, मुंबई को थाने से कनेक्ट करेगी। भक्ति पार्क में लाइन 11 और मोनोरेल के साथ कनेक्ट की जाएगी, सिद्धार्थ कॉलोनी में लाइन 2 के साथ, विक्रोली और बंडूप में सेंट्रल लाइन के साथ, तीन हाथ नाका और हीरा नंदानी स्टेट में प्रपोज्ड थाने मेट्रो से कनेक्ट की जाएगी, और फाइनली गायमुख में खत्म हो जाएगी। लाइन 5 ऑरेंज, ये 24.9 किलोमीटर लंबी होगी 17 स्टेशन के साथ। कपूर बावड़ी में शुरू होकर कल्याण एपीएमसी तक जाएगी। अभी इसका सिर्फ भिवंडी तक का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके आगे सिर्फ प्लान्ड है। कल्याण स्टेशन में सेंट्रल लाइन से कनेक्ट की जाएगी और एपीएमसी में प्रपोज्ड लाइन 12 के साथ। लाइन 6 पिंक, ये 14.5 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट लाइन होगी, इसमें 13 स्टेशन होंगे। लोखंडवाला के एसएस नगर स्टेशन से विक्रोली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक जाएगी। बीच में लोअर ओशिवारा में लाइन 2 से कनेक्ट होगी, जोगेश्वरी ईस्ट में लाइन 7 से, सीप्स में लाइन 3 से, और कंजूमार्ग वेस्ट में लाइन 4 से। लाइन 7 फेज 2, इसका दूसरा फेज 3.2 किलोमीटर लंबा होगा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 तक। लाइन 9 रेड, ये लाइन 7 से शुरू होकर नॉर्थ में मीरा भयंदर तक जाएगी। 10.3 किलोमीटर लंबाई और 8 स्टेशन होंगे इसमें। मीरा रोड स्टेशन पर प्रपोज्ड लाइन 10 से कनेक्ट की जाएगी और एससीबी स्टेडियम में प्रपोज्ड लाइन 13 से। इसकी छोटी सी ब्रांच भी बनाई गई है 1.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक तक। ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन्स है मेट्रो की 146 किलोमीटर और 123 स्टेशन के साथ। इसके अलावा कुछ और लाइन्स प्लान्ड हैं और इनमें से ज्यादातर अप्रूव भी हो चुकी हैं, जैसे लाइन 8 गोल्ड, ये एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से शुरू होकर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगी, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बीच में मंडला में लाइन 2 से भी कनेक्ट की जाएगी। लाइन 10 ग्रीन, गायमुख से शिवाजी चौक तक जाएगी 9.2 किलोमीटर और 7 स्टेशन के साथ। लाइन 11 ग्रीन,
ये भक्ति पार्क से CSMT स्टेशन तक जाएगी, 12.7 किलोमीटर लंबी और 11 स्टेशन के साथ। बीच में शिवरी में हार्बर लाइन से भी कनेक्ट की जाएगी। लाइन 12 ऑरेंज कल्याण APMC से तलोजा तक 20.7 किलोमीटर लंबी और 18 स्टेशन के साथ। बीच में निलजे में लोकल ट्रेन की वसई पनवेल लाइन से भी कनेक्ट की जाएगी। लाइन 13 पर्पल SCB स्टेडियम से विरार तक जाएगी 23 किलोमीटर लंबी और 20 स्टेशन के साथ। लाइन 14 मैजेंटा विक्रोली से बदलापुर तक जाएगी, 45 किलोमीटर लंबी होगी 40 स्टेशन के साथ। इन सबके खुलने के बाद मुंबई मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 337 किलोमीटर। सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन्स की टोटल कॉस्ट 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मेट्रो के अलावा अगर मैप में देखें तो ये पतली ऑरेंज लाइन मोनोरेल है। ये 19.5 किलोमीटर लंबी है 17 स्टेशन के साथ और चेंबूर से SGM चौक स्टेशन तक जाती है। बीच में मेट्रो की लाइन 2, 4 और 11 से कनेक्ट की जाएगी। इसके अलावा लोकल ट्रेन से लिंक होती है चेंबूर और लोअर परेल में। नवी मुंबई मेट्रो की एक लाइन है जिसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, ट्रायल्स चल रहे हैं इसके और खुल जाएगी जल्द ही। ये है 11.1 किलोमीटर लंबी लाइन CBD बेलापुर से पिंडार तक 11 स्टेशन के साथ। लोकल ट्रेन से लिंक होगी CBD बेलापुर और तलोजा में। इसको आगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भी एक्सटेंड किया जाएगा, जो प्रपोजल्स रखे गए हैं। बीच में खंडेश्वर में लोकल ट्रेन से कनेक्ट की जाएगी। और थाने मेट्रो की एक लूप लाइन प्रपोज्ड है 29 किलोमीटर और 22 स्टेशन के साथ। थाने स्टेशन में सेंट्रल और ट्रांस हार्बर लाइन से कनेक्ट होगी और बाकी दो स्टेशन मुंबई मेट्रो के लाइन 4 से कनेक्ट होंगे। लोकल ट्रेन की बात करें तो ये सिटी का ओल्डेस्ट रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो 1853 में स्टार्ट हुआ था थाने से मुंबई के बीच। अभी इसकी 7 लाइन्स ऑपरेशनल है 427 किलोमीटर की टोटल लेंथ के साथ। वेस्टर्न लाइन 124 किलोमीटर लंबी है 39 स्टेशन के साथ। चर्च गेट से शुरू होकर दहानो रोड तक जाती है। बीच में माहिम जंक्शन से गोरेगांव तक हार्बर लाइन की एक ब्रांच इसके पैरेलल में चलती है। वसई रोड स्टेशन में वसई पनवेल लाइन के साथ इंटरचेंज बनाती है। सेंट्रल लाइन 180 किलोमीटर लंबी है 51 स्टेशन के साथ। कल्याण जंक्शन के बाद ये लाइन दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक जाती है कसारा तक और दूसरी खोपोली तक। लोअर परेल करी रोड प्रभादेवी और दादर में ये वेस्टर्न लाइन के साथ कनेक्ट करती है और 4 स्टेशन में ये हार्बर लाइन से भी कनेक्ट करती है। थाने में ट्रांस हार्बर लाइन के साथ कनेक्ट होती है और दीवा जंक्शन और कोपर में वसई पनवेल लाइन के साथ। वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन्स में लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन्स दोनों चलती हैं। लोकल ट्रेन्स हर स्टेशन पर रुकती है और एक्सप्रेस ट्रेन्स कुछ स्टेशन को स्किप कर देती है। हार्बर लाइन 66 किलोमीटर लंबी है 35 स्टेशन के साथ। वडाला रोड के बाद इसकी एक ब्रांच लाइन गोरेगांव तक जाती है। जो मेन लाइन है वो कुर्ला चेंबूर मानखुर्द वाशी CBD बेलापुर खारगर और खंडेश्वर से होते हुए जाती है पनवेल में खत्म होने से पहले। ट्रांस हार्बर लाइन 38 किलोमीटर लंबी है 17 स्टेशन के साथ। एक छोटी सी ब्रांच लाइन है तुरभे से वाशी तक। जो मेन लाइन है वो नेरुल सीवुड्स खारगर मानसरोवर से होते हुए पनवेल में खत्म होती है, जहां पर ये हार्बर और वाशी पनवेल लाइन से भी कनेक्ट होती है। नेरुल उरन लाइन 26 किलोमीटर लंबी है 12 स्टेशन के साथ। बीच में सीवुड से भी होते हुए जाती है। वसई पनवेल रोहा लाइन 170 किलोमीटर लंबी है 23 स्टेशन के साथ। वसई रोड से शुरू होती है, फिर कोपर में इसका एक टर्मिनल स्टेशन है और एक दीवा जंक्शन पर, जहां से ये निलजे तलोजा और पनवेल से होते हुए रोहा में खत्म होती है। और आखिरी है पनवेल करजत लाइन, जो इस मैप में नहीं दिखाई गई। ये 30 किलोमीटर लंबी है, जो पनवेल से शुरू होकर सेंट्रल लाइन के करजत स्टेशन पर खत्म होती है। इनके अलावा मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक नई बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, जो 508 किलोमीटर लंबी होगी पूरा बनने के बाद। 2027-28 तक खुलने की उम्मीद है, जिसमें वसई थाने और मुंबई में इसके स्टेशन बनाए जाएंगे। मुंबई में जो मेन स्टेशन होगा इसका, वो होगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मैप में जो दिखाया गया यही मेन रूट होगा उसका। पूरी वीडियो में जो ये मैप यूज हुआ है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके डिजिटल और प्रिंटेड वर्जन दोनों अवेलेबल हैं। अगर आप डिजिटल वर्जन खरीदेंगे तो इसके साथ आपको एक सिंप्लीफाइड मैप भी मिलेगा, जो ऐसा दिखता है। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही नए मैप्स और चार्ट्स हर महीने पाना चाहते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका है इस चैनल का मेंबर बनके। इससे आप चैनल को डायरेक्टली भी सपोर्ट कर पाएंगे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।